सो व्हाट इज़ स्टेबल डिफ्यूजन? ठीक है, सो उसके लिए मैंने बेस्ट एक इधर ये निकाल के रखा था, स्टेबल डिफ्यूजन की ही वेबसाइट निकाल के रखी थी मैंने। किधर गई? हाँ इधर, ये था कि स्टेबल डिफ्यूजन एक, जिस तरह हमने कल जीपीटी वगैरह की बात की थी ना, कि जीपीटी ये होते हैं और जीपीटी को हम इस तरह यूज़ करते हैं सब कुछ, तो स्टेबल डिफ्यूजन भी उस तरह का एक मॉडल है। ठीक है, एक इंजन है बेसिकली, बट ये टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है, एक डीप लर्निंग का मॉडल है, टेक्स्ट टू इमेज है। जो चैट जीपीटी है, जीपीटी का जीपीटी मॉडल है ना, वो टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल था, और GPT-4 भी टेक्स्ट टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू इमेज मॉडल दोनों है, लेकिन टेक्स्ट टू इमेज मॉडल अभी रिलीज़ नहीं हुआ। बस स्टेबल डिफ्यूजन एक टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है, इसका मतलब यह कि आप उसको टेक्स्ट दोगे, कुछ प्रॉम्प्ट दोगे, और वो आपको उसकी बेस पे इमेज जनरेट करके देगा। तो ये 2022 में रिलीज़ हुआ था। तो इट इज़ प्राइमरीली यूज टू जनरेट डिटेल्ड इमेजेस कंडीशन ऑन टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस, दो इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू अदर टास्क सच एज इन पेंटिंग, आउट पेंटिंग, जनरेटिंग इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन, ये अलग अलग चीज़ें। तो ये सारी चीज़ उसकी थी। तो अगर हम इस स्टेबल डिफ्यूजन की साइट पे आए ना, तो इसके हमको यूज़ कहाँ से कर सकते हैं स्टेबल डिफ्यूजन को? तो मैं शेयर लिंक भी कर दूंगा। तो हम हगिंग फेस के ऊपर, हगिंग फेस एक तरह से समझ लो कि जैसे गिटहब है ना, गिटहब का आइडिया है सबको, गिटहब क्या होता है? मैं गिटहब का बताऊँ ज़रा, फिर मैं उसको बताता हूँ। चुप करना तू। नहीं इसमें सीखता कोड्स मतलब। वगैरह वो हाँ, जैसे सो कल बात करी फंक्शन गूगल और ड्राइव होते प्रोग्राम। हैं ना, गूगल ड्राइव का तो सबको आइडिया होगा। गूगल ड्राइव पे आप क्या करते हो, कि आपने अपने अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ आपने अपलोड कर दी, तो आप कहीं से भी अगर आपने उसको एक्सेस करना है, तो आप अपना अकाउंट लॉग इन करोगे, उसको एक्सेस कर लोगे। सेम चीज़ अगर आपने कहीं पे वो रखना है, अपना कंप्यूटर कोड रखना है, या आप चाहते हो कि हमारी एक पूरी टीम है 5 बंदों की, या ग्रुप है यूनिवर्सिटी में, हम 4 बंदों ने काम करना है, तो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो या तो होगा कि हर बंदा अलग अलग बना रहा है, या इकट्ठा बैठ के आप करोगे। दूसरा तरीका जो मोस्ट एफिशिएंट तरीका है, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मरीम जो है ना, वो कराची बैठी हुई है, अफनान इस्लामाबाद में काम कर रहा है, मैं लाहौर में हूँ, तीसरा चौथा बंदा हमारे ग्रुप का कोयटा में है। तो अब हम ना तो फिज़िकली मिल सकते हैं, ना हम इस तरह का इसी कोड कर सकते हैं, तो हम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम किस तरह करेंगे? तो वहाँ पे इस तरह के टूल्स आते हैं, जिनमें सबसे मोस्ट फेमस चीज़ जो क्लाउड होता है, वो आपका गिटहब होता है। तो गिटहब क्या होता है बेसिकली, कि ऑनलाइन क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जहाँ आप अपना कोड तो स्टोर कर ही सकते हो, उसके अलावा आप एक ही प्रोजेक्ट को चारों बंदे मिल के वहाँ पर कोड अपना ऐड कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूट बन करके ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने गिटहब ऐड किया, तो इधर मेरा अपना गिटहब ओपन हो जाएगा। तो अब हमने जब अब इस पे हम काम कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, ये था शेयर्ड एक्सपेंस मैनेजमेंट, ये पता हो शायद, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने किया था। तो इसके अंदर है, तो हमारे पूरे, तो हम 4 बंदे कंट्रीब्यूटर थे इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको कंट्रीब्यूटर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये कंट्रीब्यूटर, तो कंट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है कि मैंने जिनको यहाँ पे ऐड कर लिया ना, अब वही इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसी के अंदर कोड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा कोड मुझे भी शो होगा, जो भी इसमें चेंज हो रहा है उनको भी शो होगा। तो इसमें 17 कमिट्स हुए, एक चेंज को समझ लो कि एक चेंज करना एक वो होता है, कमिट होता है, कमिट कहते हैं हम इसको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपका गिटहब होता है। ठीक है, अब सेम चीज़ आ गई आपकी, हम जो इधर बात कर रहे थे स्टेबल डिफ्यूजन की, कि ये टेक्स्ट टू इमेज जो मॉडल है, तो स्टेबल डिफ्यूजन इस तरह का मॉडल था कि ये आपके टेक्स्ट से इमेज बनाता था। बनाता कैसे, हम उसकी अभी देख लेते हैं। हगिंग फेस से ये था कि हगिंग फेस आपका जो जितने मशीन लर्निंग और इस तरह के मॉडल्स होते हैं ना, उनके लिए एक तरह का गिटहब है, कि आपने अगर इस तरह के मॉडल के हैं स्टोर करने हैं ना, तो आप हगिंग फेस पे कर सकते हो। अब मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ बियर राइडिंग अ हॉर्स इन फ्रंट ऑफ अ स्काई स्क्रैपर, क्या लिखी जा रहा हूँ मैं वैसे, चलो जो भी लिख रहा हूँ मैं, स्काई स्क्रैपर ऑफ अ स्काई स्क्रैपर। ठीक है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट। अच्छा अमलीहा, मे भी तुम सुन रही हो, सो मैंने थोड़े से इस पे किया, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट कहाँ गया हमारा, ये इधर है। सो नेगेटिव प्रॉम्प्ट बेसिकली ये होती है कि जो आप अपनी पिक्चर में नहीं देखना चाहते। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसमें ब्लड ना आना चाहिए, ब्लड नहीं आना चाहिए, ये मतलब बुरी चीज़ होती है, या लाइक इसमें कोई भी
जो भी आपको लगता है कि इसमें वो चीज़ ना हो, ब्लड ना हो इसके अंदर, और मैं इसमें क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ मुझे बताओ ज़रा, इसमें और क्या बुरी जो मैं चाहता हूँ कि ना आए, बोलो थोड़ा दिमाग लड़ाओ। वेपन्स वगैरह या फिर इस तरह की हाँ ठीक है, लिबर्टी ठीक है, वेपन्स ऐड कर लेता हूँ। वायलेंस वाय वेपन्स, चलो ये दो ऐड कर लिए हमने। अब मैं इसको जनरेट इमेज पे क्लिक करता हूँ। सो ये अब उसका अपना टाइम ले रहा है। सो बेसिकली ये हमारे ही सीपीयू पे काम कर रहा है, तो जितना आपका वो हिसाब से होगा उस स्पीड से चलेगा। अभी इमेज बन रही है उसके, तब तक मैं आपको बताता चलूँ। ये कंपनी है स्टेबिलिटी एआई, तो ये सारी चीज़ें वो बना रही है स्टेबल डिफ्यूजन की। अभी हम इसकी वर्किंग पे बात नहीं करते, वो लंबा डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये फिर भी कंपैरेटिवली ये चीज़ें आई हैं। एक ये आई है हमारे पास, कैसी है? बियर राइडिंग अ हॉर्स इन फ्रंट ऑफ अ स्काई स्क्रैपर, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लगा? ओके ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो है। ओके, तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके अलावा भी बड़े हैं इसमें टूल्स हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें एडवांस सेटिंग्स में वो भी चीज़ें कर सकते हो। तो आप इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। मैं अगर इनकी ही बता दूँ तो ये है कि अ पिकाचू फाइन डाइनिंग विद अ व्यू टू द आइफल टावर। हम ये ऐड करके देखते हैं। तो अभी हम जनरेट इमेज में वहाँ काम करते हैं। अच्छा, अब नेगेटिव चीज़ में कि वो चीज़ ना आए, तो इसमें लो क्वालिटी, लो क्वालिटी मीन्स के लो क्वालिटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। तब तक मैं देख लूँ क्या है। रिशमेल प्यारी, यार अजीब है। हाँ मरियम बोलो। लाइक थोड़ा जूम करना नोट, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा। वो पिक्चर थोड़ी, चलो अब ठीक है। नजर अभी भी नहीं आ रहा, यार ब्लर क्या, आ रहा। ये लो, अब पिकाचू फाइन डाइनिंग रोटी खा रहा है विद द व्यू टू द आइफल टावर। ओके तो ये देखो, ठीक है। सो आप ऐसे अपनी पिक्चर्स को बना सकते हो, चीज़ें कर सकते हो, और बड़े क्रिएटिव चीज़ें बन सकती हैं। सो एक तो आपका जो एक्चुअल स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल है ना, वो ये काम कर रहा है। अब स्टेबल डिफ्यूजन को आप ये यूज़ कर सकते हो, सही है। नेक्स्ट हम चीज़ पे चल जाते हैं कि नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग की भी मैंने बात कर दी कि नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्या होती है। तो अगर उस ज़्यादा पढ़ना है तो वो एक पूरा आर्टिकल है, इस पर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टेबल डिफ्यूजन में नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग क्या है। अच्छा, अगली चीज़ हम करते हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल मॉडल्स। डाली जो मॉडल था ना, वो है ओपन एआई का। ओपन एआई का मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। ओपन एआई के आप जाओगे तो ये वाला मॉडल जो है ना, जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस को बना सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। अभी डाली या मिड जर्नी की बात करेंगे ना, वो फ्री ट्रायल तो देते हैं और कई फ्री क्रेडिट देते हैं, बट फ्री मॉडल नहीं है, जैसे ये डाली की पिक्चर्स हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी फ़ोटो ऑफ अ मंकी एस्ट्रोनॉट, ये देखो नज़र आ रहा है। अ फ़ोटो ऑफ अ टेडी बियर ऑन अ स्केटबोर्ड इन टाइम स्क्वेयर, ये आया। ठीक है, हम इस तरह के बढ़िया, मुझे कोई इंटरेस्टिंग सी प्रॉम्प्ट्स बताओ, हम इसको करें, इसे इससे निकलवाते हैं। एनीवन, इससे हम जनरेट करवाते हैं डाली से। सो डाली कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़ ये भी डिफ्यूजन मॉडल्स को ही कर रहा है, इन टेक्नोलॉजी इनकी भी डिफ्यूजन की ही है, बट इसके अंदर ओपन एआई ने अपनी चीज़ें एडिशन की है, जिससे इसकी जो है ना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक बार ज़रा बताना ये कैसे स्टेबल डिफ्यूजन हगिंग फेस में ओपन किया। मैं लिंक भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, सीधा उस लिंक को क्लिक करना, ओपन कर लोगे। अच्छा मुझे आप बताओ ना, इधर कमांड बताओ यार, कोई प्रॉम्प्ट बताओ जो हम इधर बनवाएं, कुछ भी बता दो अभी, जो कोई सेंस नहीं बना रही। हमने बस एक पिक्चर जनरेट करवानी है, ऐसे कैसे जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू डैट प्रॉम्प्ट। हेलो, सोचने सोचने सोच रहे? यार 10 10 12 जहन मिलके नहीं सोच पा रहे। जल्दी सोचो। माउस स्केटिंग ऑन सैंड, अच्छा हाफ लाइन ये हो जाएगी। अब अगली बताओ।
माउस स्केटिंग ऑन सैंड, ओके आगे। कुछ कुछ है वहीं इन फ्रंट ऑफ अ रिवर, सैंड में कहाँ से रिवर आ गया, इन फ्रंट ऑफ अ रिवर, ड्राई रिवर, ईटिंग कैरेट। ईटिंग कैरेट, ओके विथ स्पून, ओके सो ओके। जैसे इन्होंने पिक्चर दी थी ना, मैं इधर कह देता हूँ, जैसे हाई क्वालिटी फोटो ऑफ अ माउस, चलो जनरेट, सो इट जनरेट हो रहा है अभी। अच्छा, इसके अंदर आप अपनी इमेजेस को भी एडिट कर सकते हो, और वो उसमें ये स्टेबल डाली के अंदर ये ऑप्शन भी है, आप अपलोड करके ना अपनी इमेजेस को भी। ये देखो, ईटिंग कैरेट विद स्पून, सो देर डिफरेंट पिक्चर्स, एक ये है बट इसमें सैंड है, ये भी है, कैरेट भी है, रिवर कहाँ है, ओके सो नेक्स्ट वन कहाँ, कौन सी है, ये सो स्पून है, कैरेट है, ये है, ये कौन सा माउस है, सैंड है, ओके okay. काफ़ी अच्छा, लाइक क्वालिटी अच्छी है, लाइक देख रहे हो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लाइक माउस की, ओके ये है ड्राइव, मैंने ड्राइव रिवर कहा है ना, अगर हम कहें फ्लोइंग रिवर तो फिर क्या करेगा, बैक चलते हैं, ड्राई रिवर में वो सैंड की तरह ही हो गया सारा। फ्लोइंग रिवर, इसके ना क्रेडिट्स हैं, देखो मेरे पहले 15 क्रेडिट्स थे, मैंने एक दफ़ा ट्राई किया तो 14 रह गए, अब 13 रह गए हैं, मैं 13 और ट्राई कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे क्रेडिट बाय करने पड़ेंगे, तो इसमें ये होता है, ओके सो अब ये देखो, स्पून कैरेट वो, और पीछे ये रिवर, हाँ और इधर भी पीछे रिवर और स्पून और कैरेट को इस तरह, स्पून भी लोहे, अच्छा लोहे का स्पून लिया, पाकिस्तानी लग रही है डाली वाले, ओके इधर स्पून टेढ़ा ये है। तो अब इनसे अब लाइक बड़ी क्रिएटिव चीज़ें करवा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो आप इसको, इमेज भी कर एडिट कर सकते हो, ओके सो अब हम एक चीज़ करते हैं, हम अपलोड करते हैं, अपलोड किया इधर से मैंने कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेरे पास ये एक पिक्चर थी बार्ड की, तो मैं इसको करवाया, ओके यार ये पिक्चर नहीं थी, सो इट्स इट वॉज़ नॉट अ पिक्चर, इट वॉज़ एक्चुअली अ गिफ्ट, ओके सो ओके 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 ओके, मैं कौन सी पिक्चर लगाऊँ यहाँ पे, कोई भी लगा देता हूँ, यही लगा देता हूँ, मशीन लर्निंग की है, हाँ सही है, हाँ ओके सो अब इसमें एडिट पिक्चर में एडिट इमेज कर सकता हूँ, जब मैंने इसमें एडिट इमेज किया ना, मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गईं, अच्छा कि मैंने इसमें क्या करना है, अपलोड इमेज है और ये सारी चीज़ें पैन वगैरह सेलेक्ट, जब मेरी ये चीज़ हो गई तो उसके बाद मैं वापस जाता हूँ यार, स्किप क्रॉपिंग, ओके डन, ठीक है। अच्छा मैं जनरेट क्या करवा सकता हूँ, मेरी ये पिक्चर है ना एक, तो मेरी एक पिक्चर, मैं इसमें कहता हूँ रनिंग हॉर्स, तो ये एक पूरी पिक्चर है, उसमें पता नहीं क्या होगा, ओके ये आ गई बीच में हमारी, पीछे ये इमेज आ गई, आगे ये आ गया, पीछे मेरी वो इमेज आ गई, रनिंग अ हॉर्स, और आप लाइक अपनी इमेजेस को भी ऐसे एडिट करवा सकते हो, ये तो हमने सिर्फ एक मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है, आप इसको खुद भी ट्राई करवा सकते हो,
ये भी आप किस तरह भी हो सकता है। ओके मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये आपका एक हो गया डाली, जिसमें आप में इसको मैं सरप्राइज़ में कहता हूँ ना, तो फोटोग्राफ ऑफ एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स ऑन मून सरफेस टेकिंग, नहीं हाँ ठीक है, विद पाकिस्तानी फ्लैग, आई एम पैट्रियट। फोटोग्राफर ऑफ एस्ट्रोनॉट हूज कमिंग आमना शहजादी। ओके यूजिंग प्रॉम्प्ट्स फॉर इंस्पिरेशन काइंड ऑफ कर सकते हो उस वो चीज़ में, किधर गया मेरा डाली किधर गया ये है। ओह नाइस। ओके सो एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट पता नहीं इसने कौन सा बनाया है, इजिप्ट का एस्ट्रोनॉट है। पाकिस्तानी फ्लैग हॉर्स, पाकिस्तानी झंडा बाइक पे है, यूनिवर्स में हमारा झंडा है। और ये उसमें ये है और ये इस तरह, इसमें विच एडिट भी कर सकती हो आप, अगर आपको नहीं लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए या मेरा ये झंडा नहीं चाहिए, मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से एडिट कर दिया और इसको मैंने इधर से कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको इधर क्लिक अप कर दूंगा तो एड इरेजर आ जाएगा ये। तो उसके बाद एड जनरेशन फ्रेम्स, अगर मैंने इसको चेंज वगैरह करना है, कुछ भी करना है, जनरेट दोबारा करना है, इसको डाउनलोड करूंगा तो मेरे से डाउनलोड भी हो जाएगी ये। मैंने डाउनलोड किया PNG की, इट हैज़ बीन डाउनलोडेड। इसको ओपन करते हैं, तो ये ओपन किया तो ये आपके पास ये इधर ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके तो मल्टीपल कर सकते हो। खैर ये तो आपका हो गया डाली, हमने दो चीज़ें देख ली, डाली भी देख लिया हमने, स्टेबल डिफ्यूजन का भी एक्चुअल मॉडल था इधर था वो, हमने वो भी देख लिया एफल टावर वाला। अब एक और होता है जिसको आप कहते हो मिड जर्नी, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये मेरा इस वक्त काम नहीं करेगा, आप लोगों का कर लेगा। ये डिस्कॉर्ड पे काम करता है, ठीक है। आप लोगों ने आना इनकी वेबसाइट के ऊपर, लिखना है आपने इधर आके सिंपल वेब गूगल पर जाना, आपने लिखना है मिड जर्नी, मिड जर्नी लिखा और उसके बाद तुम जहर जे महसूस नहीं होया, जहर जे महसूस नहीं होया। हाँ लाइक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आप लोग खुद कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाना और उस पर लिखना आप डाली पिक्चर्स और इस तरह, तो बड़े पेजेस आएंगे जो बड़ी बड़ी लाइक क्रिएटिव इमेजेस वहाँ पे अपलोड करते हैं डाली के लेके। तो आपने इधर आना है इस तरह मिड जर्नी की वेबसाइट पे, जब आप नीचे आएंगे ना तो आपको इनका जो है डिस्कॉर्ड लिंक वो मिल जाएगा। गेट स्टार्टेड पे जाओगे तो इधर आप आ जाओगे मिड जर्नी की डॉक्यूमेंटेशन इधर, तो ये आपको यूजिंग डिस्कॉर्ड में आगे, डिस्कॉर्ड पे जाओगे ना तो आपको आगे वो बता देगा, लिंक आपका आ जाएगा। उनका सर्वर ये है डिस्कॉर्ड का, इधर आप देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है। सो उन्होंने कहा है, एक बंदे ने किसी ने लिखा है कि द स्टडी ऑफ अ फिल्स फॉग कूजी एंड लग्जूरियस विक्टोरियन स्टाइल फायर प्लेस विद अ फायर गोइंग कम्फर्टेबल आर्म चेयर बाई द फायर प्लेस लार्ज ग्लोब स्टॉमी नाइट। इमेजेस कैसी आई हैं चेक करो, ओपन इन ब्राउज़र में, अगर उसको ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, सो लुक एट द इमेजेस। लाइक डेफिनेशन, लाइक कितनी इन डिटेल इमेजेस क्रिएट हुई हैं और कितनी रियलिस्टिक, अगर आपको प्रॉम्प्ट देनी उसको अच्छे से आती है तो कितनी अच्छे से आप चीज़ें क्लियर करवा सकते हो, आप देखो देख सकते हो, ये किसी डिज़ाइनर ने नहीं किया, AI जनरेटेड है। ओके सो आप इसको इस तरह मल्टीपल इधर से लोगों का काम देख भी सकते हो, और आपको एक पसंद आ जाती है तो आप उधर से इसको वेरिएशन भी मल्टीपल कर सकते हो, तो वो चीज़ भी कर सकते हो। करनी कैसे है, आपने जब इनके मॉडल पे आ जाना ना, यहाँ पे ये जो न्यू बीज वाले सेक्शन बने हुए हैं ना, यहाँ पे आने के बाद आपने इनमें से किसी पे भी आ जाओ, आने के बाद यहाँ पे आपने स्लैश इमेज खुद इमेजिन लिखना है, IMA लिख देना, वो खुद आगे आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे इमेजिन आ गया, मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो मैं इधर कुछ भी ऐड करूँगा, मैं रेड बॉय कर देता हूँ, तो आप इसको करके बस ऐसे जो भी आपकी प्रॉम्प्ट होगी उसको एंटर करके एंटर करोगे ना तो आपको इमेज दे देगा, मुझे नहीं देगा क्योंकि मेरा वो सब्सक्रिप्शन प्लान जो फ्री था ना वो एंडेड हो गया हुआ है, मैं तो 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पर ये
स्टार्ट कर देगा। तो ये सिंपल इसका प्रोसीजर है। ये थोड़ा सा टेक्निकल नहीं होता, लाइक आपने गुरु सर्वर ज्वाइन करना है और आप इजीली उसको बना सकते हो, कर सकते हो। अच्छा, ये उसकी इमेजेस हैं। कुछ इमेजेस आप लोगों का वैसे आर्ट देखना, लाइक आपको पता चलेगा ये हमारा डाली था। थर्ड ऑप्शन कैनवा के ऊपर है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो है ये टेक्स्ट टू इमेज। कैनवा के ऊपर अगर आप कर रहे हो ना, आराम से कैनवा पे आओ, यूज़ इन न्यू डिज़ाइन, मैं उसको कह देता हूँ वीडियो न्यू डिज़ाइन का है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लाइक कर लेते हैं, इधर ये आ गया ना, तो डिस्क्राइब इमेज व्हाट यू वांट। तो जो हमने इधर देखी थी ना एक इमेज, ये वाली, इमेजिन इन अ स्टाइल ऑफ अ यूट्यूब चैनल लूफी गर्ल बट मेक इट स्टाइलिश मैन, अडॉप्ट द इमेज टू फिट द थीम ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो ये इमेज आई हमारे पास, तो मैं यही एम ए कर रहा हूँ। मैं कैनवा को कहता हूँ कि मुझे ये बना के दे, लेट्स सी। कैनवा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाइक एक्चुअल तो उस तरह नहीं कर काम करेगा, बट ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, मैंने देखा है कई दफ़ा। अब ये इमेजेस बना रहा है, तब तक इसको इमेज बनाने दो। अच्छा, तब तक हम स्टेबल डिफ्यूजन की चीज़ें हमने देख ली, स्टेबल डिफ्यूजन भी देख ली हमने क्या था। अच्छा, आप स्टेबल डिफ्यूजन वेब की साइट पे आके यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पे आके ना ये एफ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करोगे ना, तो इधर आके पर प्रॉम्प्ट लिखोगे एक। मैं प्रॉम्प्ट इधर यही लिखता हूँ, और मैं इधर कह देता हूँ लो क्वालिटी और वायलेंस जनरेट इमेज। अब इसको इमेज जनरेट करने देते हैं, तब तक कैनवा को देखते हैं। सो कैनवा, ये कैनवा ने दिया, तो कैनवा लाइक उस का उसके अकॉर्डिंग नहीं दे पा रहा जो उन्होंने वहाँ पे दिया था। अगर हम इसकी देखेंगे ना, कैनवा तो इस तरह की दे रहा है, बट हमें मिड जर्नी ने कैसी इमेज दी थी, मिड जर्नी ने ये इमेज दी थी हमें। तो चेक कर सकते हो मिड जर्नी कितना रियलिस्टिक है। अब हम देखते हैं जो एक्चुअल स्टेबल डिफ्यूजन का मॉडल है हमें वो कैसे दे रहा है इमेज। तो स्टेबल डिफ्यूजन भी हमें इस तरह की इमेज दे रहा है, तो ये चीज़ है। उसके बाद स्टेबल डिफ्यूजन की जब आप वेबसाइट पे आते हो ना, आपके पास कई मॉडल्स हैं, लाइक आपके पास कंट्रोल नेट, विजुअल, चैट जीपीटी, प्लेग्राउंड, ये सारे मॉडल्स हैं, तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं साइट का लिंक शेयर कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें भी हो गई। अच्छा, अब एक साइट है जिसको हम कहते हैं चैट पीडीएफ, यह आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैंने इसका एक्चुअल अपना वर्जन भी बनाया था कोड, मैं वो कोड भी शेयर कर दूंगा, आप अपना खुद भी यूज़ कर सकते हो इसके। लेकिन एक ऑनलाइन साइट भी है, मैं फॉर एग्जांपल इससे कहता हूँ कि मुझे चैट पीडीएफ के अंदर से ना चीज़ चाहिए कुछ भी, तो ये मैं अटेंशन इज़ ऑल यू नीड जो है इसको कहा, ट्रांसफार्मर वाला जो पेपर था, मैंने वो पीडीएफ इसको अपलोड की, ये पीडीएफ इधर अपलोड हो गई। उसने मुझे सबसे पहले तो उस पूरी पीडीएफ की समरी दे दी, उसको बता दिया इसके अंदर क्या था पूरे पीडीएफ के अंदर। और अब मैं इससे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, मैं उसको पूछ सकता हूँ व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब मैं ये पूछूंगा ना तो मुझे वो बताएगा ट्रांसफार्मर इज़ अ नेटवर्क आर्किटेक्चर। सो अच्छा, अगर इसमें मैं पूछूँ ना हाउ फार इज़ द मून, तो अब चैट जीपीटी से ये चीज़ पूछोगे, चैट जीपीटी आपको आंसर देगा, बट चूंकि हाउ फार इज़ द मून इस पीडीएफ के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसको हमें ये आंसर नहीं देना चाहिए, या हमें बताना चाहिए कि ये आंसर इस पीडीएफ के अंदर नहीं है। तो मैंने इससे पूछा हाउ फार इज़ द मून, इसने कहा कि आई एम सॉरी बट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस ऑफ टू द मून इज़ नॉट अवेलेबल इन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट, बट थोड़ा सा एडवांस मॉडल है तो उसने हमें बता दिया कितना डिस्टेंस है, लेकिन उसने हमें बता दिया कि ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सीच गिव मी द समरी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन 5 पॉइंट्स, सर्टेनली हेयर इज़ अ समरी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन 5 पॉइंट्स। तो उसने उस डॉक्यूमेंट की आपको 5 पॉइंट में समरी दे दी है। सो प्लीज़ नोट डैट दिस समरी इज़ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट। तो ये आपके कितने काम आ सकती है, लाइक आपके एक्चुअल स्टडी के अंदर आपको वो आइडिया होगा, ठीक है। ये चैट पीडीएफ की वेबसाइट है, और इसमें आप मल्टीपल चैट जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हो, चीज़ कर सकते हो। ओके, ये भी हो गया, हमारा डाली भी था वो भी हो गया। उसके बाद हमारा ये था जो हम क्यूआर कोड जनरेट कर रहे थे, तो ये बेसिकली क्या था,
अच्छा अब हम अब क्वेश्चन थोड़ा पूछते हैं कि अब तक क्लियर हो गया स्टेबल डिफ्यूजन क्या है, मुझे अब बताओ ज़रा अफनान कहाँ है। अपने जी हो गया क्लियर। सो बेसिकली जो आप स्टेबल डिफ्यूजन को आप उस तरह भी समझो, तो स्टेबल डिफ्यूजन जो आपका मॉडल है वो आपका काम कर रहा होता है उसके ऊपर, टेक्स्ट टू इमेज के ऊपर। हाँ बैक एंड पे इसकी क्या टेक्नोलॉजी है पूरी वो डिफरेंट है थोड़ी सी, लेकिन स्टेबल डिफ्यूजन इस तरह का हो सकता है। द ओनली वे पाकिस्तान इज ऑन द मून। हाँ ये भी सही है, लाइक आप चीज़ें कहीं कर कुछ करवा सकते हो, लेकिन इसने तो बड़ा ख़राब सा रिजल्ट दिया था, आप इसको काफ़ी अच्छा एडवांस भी करवा सकते हो, हाई क्वालिटी एक एक्चुअल स्पार्को का बंदा मून पे बैठा हो। तो हमारा गोरी जाएगा क्योंकि हमारे पास दूसरा रॉकेट तो है नहीं, फिर गोरी 3 जाएगा। तो चलें ये हो गया, बाकी ये गिटहब का भी आपको आइडिया हो गया, और वट तो ये भी ये चीज़ हो गई। अच्छा अब एक चीज़ और आप बड़ा यूज़ करोगे वो है आपकी स्लाइड्स एआई। तो गूगल की एक्सटेंशन है एक स्लाइड्स एआई करके ना, तो मैं आपको उसकी एक झलक काइंड ऑफ दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको इधर जाऊँ ना स्लाइड्स के अंदर अपने अकाउंट की, तो एक्सटेंशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इसको ब्लैंक में जाता हूँ। अच्छा अब मैं ना इधर आता हूँ इस एक्सटेंशन वाले पार्ट के अंदर, इधर एड जोन में आया ना जब मैं, ये आ गया क्रिएट स्लाइड्स। मैंने ये एक्सटेंशन डाउनलोड की हो, या आप भी कर लोगे तो आपका भी आएगा, स्लाइड्स ए आई डॉट आई ओ। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है स्लाइड्स ए डॉट आई ओ पे क्लिक किया, जनरेट स्लाइड्स। तो ये वर्किंग हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इसको टॉपिक बताना, चीज़ें बतानी है, मुझे स्लाइड्स बना के दे देगा, मैं थोड़ा सा उसको एडिट करूँगा, मेरी स्लाइड्स तैयार। डोंट यूज़ स्लाइड्स ए आई इस तरह, ठीक है। ये जो टॉम वर्क करता है ये भी इसी तरह से स्टेबल डिफ्यूजन पर वर्क करता है स्लाइड्स एग्जैक्टली और नहीं, स्लाइड्स डॉट ए आई इज़ डिफरेंट थिंग। इसकी टेक्नोलॉजी को हमें देखना पड़ेगा, मैंने इसकी जो है ना वर्किंग टेक्नोलॉजी को नहीं देखा, बट स्टेबल डिफ्यूजन आपके जो होते हैं ना ये मॉडल्स आपके बेस मॉडल्स होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको लेके चल रहे होते हो। जैसे मेरा इधर था, लेट्स मैं कह देता हूँ चैट, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये क्या लिखा गया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो उन्होंने मैं इधर कह दिया कि एड फ्यू पॉइंट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स एंड आर एन एंड्स, जो भी मेरे माइंड में भी आ रहा है। चलो स्लाइड्स आप मैक्सिमम 8 तक बना सकते हो, मेरे ख्याल से ये 10 तक बना सकते हो, हाँ 10 तक मैक्सिमम, बट मैं अभी इसको कहता हूँ कि 4 स्लाइड्स चाहिए। ऐड इमेजेस, हाँ इमेज ऐड करनी है। तो ओके यार मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने 3 इमेजेस प्रेजेंटेशन इससे मैं फ्री बना सकता था, वो मैंने बना ली हुई हैं। फिर लुक्स लाइक यू हैव क्रिएट ऐप, आप 3 बना सकते हो, बट आप एक और चीज़ इसमें कर सकते हो, वो चीज़ ये है कि आप मैजिक राइट को यूज़ करो। तो मैजिक राइट मेरे ख्याल से इनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैजिक राइट ये है कि आप अपनी इमेज जो आपके बनाई हुई है आपने, आप उसी के अंदर चीज़ें ऐड करते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर लिखता हूँ ना डीप लर्निंग, या मैं इधर लेट्स से कंप्यूटर लिख लेता हूँ सिंपल, एप्पल मैकबुक, तो मैं अगर रिकमेंडेशन में जाऊँगा ना तो वो मुझे इसके मुताबिक मुझे बता देगा कि कौन सी इमेज आपको इसके मुताबिक है, एप्पल मैकबुक के, वो एप्पल ये वाला नहीं है मैकबुक दे, हाँ ये आ गया इस तरह की मैकबुक है, या ये मैकबुक है। इंटरनेट से वो खुद ही सर्च करके तो मुझे वो बता देगा कि आपका ये मैकबुक क्या चीज़ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैं अगर इसको यूज़ करना चाहूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यूज़ करता हूँ, अभी वो ऐड नहीं होगा, मुझे इधर से इंसर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अरे क्यों नहीं हो रहा, इसको होना तो चाहिए, इमेज आनी चाहिए इधर, अभी डिलीट हूँ करके दिखाऊंगा। हाँ
ओके सो दिस वन वाई मैन ओके इमेज आ गई इधर तो वो अच्छा वो उस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही थी इस तरह आप इसकी इमेजेस को इधर से ऐड कर सकते हो पैराफ्रेजिंग कर सकते हो कुछ भी तो आपको स्लाइड के अकॉर्डिंग खुद ही सजेशन दे देगा कि आपको इमेज कौन सी चाहिए दोबारा मुझे चाहिए तो मैं दोबारा गेट स्लाइड्स करूँगा तो दोबारा पड़ेगा तो मुझे दोबारा रेलिवेंट इमेजेस एक्सट्रैक्ट करके इंटरनेट से दे देगा ये मैकबुक है बच्चे हैं और ये सारे एप्पल दूसरा भी है पर ये मैकबुक है तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी काफ़ी काम आपका रिप्लेस तो नहीं हो जाता बट काफ़ी एडवांस हो जाता है और काइंड ऑफ स्पीडी हो जाता है तो ये आपके पास ये चीज़ हो गई उसके बाद स्लाइड्स हो गई कि आप वेबसाइट पे जाके वहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो कहाँ पे होगी वो एक्सटेंशन इसकी डाउनलोड मैं वो भी आपको बता देता हूँ सो इधर मैं लिखूँगा स्लाइड्स AI और ये आ गई खुद ही एक्सटेंशन आ गई तो आप इधर इस पर क्लिक करोगे ना तो आप मैंने तो डाउनलोड की हुई है तो आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी वो इंस्टॉल हो जाएगी जिस भी अकाउंट पे आप करना चाहो सो या दिस वाज इट ओके सो हम लास्ट में हम QR कोड बना लेते हैं एक फॉर एग्जांपल हम इसी का बना लेते हैं जो हमारी मीटिंग चल रही है इधर से मैं ओके तो यही पकड़ लिया क्लियर है ना सबको अभी तक हाँ यस ओके सो नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग में वो चीज़ था कि अगली ना ऑडियस फिगर ना हो लो क्वालिटी ना हो ब्लरी ना हो NSFW लाइक वो अडल्ट कंटेंट और लाइक न्यूडिटी वगैरह वो चीज़ ना आए तो प्रॉम्प्ट्स में मैं उसको क्या कहूँ प्रॉम्प्ट्स में दोबारा मैं मिड जर्नी पे जाता हूँ मैं सिंपल सी प्रॉम्प्ट उठाता हूँ ओके इसको मैं कह देता हूँ यही कह देता हूँ हम ज़रा पाकिस्तानी हैं तो यही है कि स्टार नॉट राइडिंग अ हॉर्स और रन और दिस वाज इट ओके ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये बेसिकली आपका ही जो है ना ये T4 आपका होता है GPU है टेस्ला का T4 GPU है तो ये आपके उसके ऊपर रन कर रहा होता है गूगल कोलैब का अगर आपको आइडिया हो तो गूगल कोलैब के ऊपर हम फ्री जो GPU यूज़ करते हैं वो T4 है ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ना अभी इसका एक्चुअल मॉडल ये है तो मैं इसके ऊपर अगर आपको दिखाऊं मैं अगर इस इन्होंने ये दिख बनाया हुआ था तो आप इसके ऊपर भी कंप्यूट वगैरह कर सकते हो और ये तो आपका फिर है ही इसको क्या हुआ ये क्या हुआ अच्छा उधर से ठीक है थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्यों चल रही है तो यूज़ QR कोड अगर आपने इसकी वो देखना ना कि इमेज छोटी हो या इमेज ज़्यादा क्लियर आए तो आप इसके ये स्केल्स को एडजस्ट करके भी कर सकते हो ठीक है कम ज़्यादा करके तो बस स्केल के 0.8 पे कर लिया 1.4 पे कर लिया 5 पे कर लिया 2 पे चले गए तो अब इस तरह इसको एडजस्ट करके भी अपनी इमेज की क्वालिटी या और QR कोड की जो है ना एक्यूरेसी चेक कर सकते हो तो वो आप इसके साथ थोड़ा सा खेल लो तो आपको आइडिया हो जाएगा इवन दो कि आप स्टेबल डिफ्यूजन इन चीज़ों के साथ भी खेलो ना आपको पता चलता जाएगा सीड क्या है सो सीड इज़ अ वैल्यू है बेसिकली कि अगर आप चाहते हो ना कि मेरी दोबारा उसी तरह की इमेज दोबारा शो ओवर आर चीज़ हो आप अगर मैं सेम इसी सीड के ऊपर दोबारा यही प्रॉम्प्ट और या इसी तरह की कोई प्रॉम्प्ट लगाऊं ना ले और इसी सीड के ऊपर लगाऊं तो मुझे वो इसी सीक्वेंस में इसी चीज़ में देगा तो सीड लाइक वैल्यूज़ होती हैं वो जैसे हम वहाँ पे टोकन्स इन चीज़ों में बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं मैं अभी इसके समझाऊंगा लेकिन अब इसको ये समझ लो कि ये इसकी वैल्यू है कि अगर आप इसको दोबारा इसी तरह चाहो ओके सो ये है अमेरिका उसने डाल दिया बीच में क्या भाई गंदे लोग हो अमेरिका डाल दिया उसने है सेव इमेज आई एम अ पैट्रियॉट आई एम अ पाकिस्तानी ये सेव कर लिया स्पेलिंग गलत है
ओके सो इट्स डाउनलोडेड. ओके सो मशीन लर्निंग कोर्स ये आ गई आपके पास ग्रुप में. नहीं अलग लाइक नंपाई नहीं, लेकिन हाँ एक आप उसे वहाँ से वो आइडिया ले सकते हो. अभी मैं उसकी एग्जाम्पल इसलिए नहीं दूंगा कि बड़ों को वो भी नहीं पता होगा, तो अब वो चीज़ भी है. ओके सो इसको ज़रा स्कैन करो, ये स्कैन होगा, ये इमेज स्कैन होगी जो मैंने ग्रुप में भेजी है. इसको भी स्कैन करके मुझे बताओ ज़रा कि ये स्कैन हो रही है. एक सेकेंड, जी अफनान बोलो. इसमें हम एग्जिस्टिंग QR को भी किसी इमेज के साथ वो करवा सकते हैं या फिर न्यू QR बनेगा हर कर बार? सकते हो आप एग्जिस्टिंग को कर सकते हो. मैं बताता हूँ, ये इन्होंने नीचे ऑप्शन दिया हुआ है QR कोड इमेज ऑप्शनल है, तो आप इधर से उसको भी करवा सकते हो ऐड. बड़ी ऑप्शनल है ना, कि अलग करवाना चाहो या ना, तो आप उसको करवा सकते हो. आप एग्जिस्टिंग QR दो उसे और उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट करवा सकते हो. बड़ी ग्रुप में लाइक आई नहीं है? ग्रुप में आई नहीं है. नहीं, अब आ गई, अब अब आ आ गई. गई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 टैब्स खुली हुई हैं. कहाँ से नेट चलने उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है एक तरह से, 25 टैब्स भी खुली हैं और सारा चल रहा है. सो या ये फ़ायदा होगा इसका आपके एक्चुअल में लाइक स्टडी वगैरह में. चैट PDF का तो शायद फ़ायदा होगा, वो तो मैंने पर्सनली खुद भी यूज़ स्लाइड्स AI और चैट PDF वगैरह अभी ये इसका. स्लाइड AI का भी होगा, अभी मंडे को प्रेजेंटेशन है इंग्लिश की, अभी यही से बना रही मैंने जो इकिगाई बनाई थी ना, अगर मेरी किसी ने, और जो LLMs भी मैंने प्रेजेंट की थी और इकिगाई भी की थी, मेरे दोनों मैंने इधर से ही बनाई थी. लेकिन आपको थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ता है, बट वो चीज़ें हो जाती हैं. इसके अलावा कई और टूल्स भी हैं, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे. बाकी आप ये डाली स्टेबल डिफ्यूजन इस तरह की चीज़ों के साथ खेलो, बड़ों को आप एकदम से ना वो काइंड ऑफ अमेज कर सकती हो कि यार देखो मैं ये इतना कुछ कर लेता हूँ, ये देखो मैंने कैसी पिक्चर बनाई है. मुझे पर्सनली वो जो है ना, आई गेस मुदस्सर ने शायद वो किया था, अभी QR कोड सेंड किया था मुझे, वो बड़ा अट्रैक्टिव लगा था. मैं लेजी बंदा हूँ, मुझे प्रॉम्प्ट आती नहीं है, बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बड़ी है, ज़रूरी है. हम थोड़ा सा करेंगे, लेकिन एक वेबसाइट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके ही है मेरे ख्याल से उसका नाम भी, या ये प्रॉम्प्टिंग गाइड है. तो प्रॉम्प्टिंग गाइड जो एक वेबसाइट है ये वाली, इधर से आके आप पूरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो कि आप किसी मॉडल को कैसी प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आपको कितना बेटर रिस्पॉन्स करेगा. तो ये बड़ी ज़रूरी स्किल है आज के दौर में, ये हर बंदा लाजमी सीखे. आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ChatGPT या किसी भी मॉडल से बात कर रहा हूँ, तो मैं उससे किस अंदाज़ में बात करूँगा तो मुझे ज़्यादा बेटर आंसर मिलेगा, ठीक है. तो वो चीज़ आपको ये चीज़ बता रहा होता है, तो ये लाजमी इस साइट को भी एक्सप्लोर करिएगा, मॉडल्स को नेम की यूज़. वेबसाइट का प्रॉम्प्ट गाइड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखना, उसका प्रॉम टॉपिक गाइड, कहीं पे आ जाएगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड है ओके ये, promptingguide.ai. यस मरियम बताओ. एरर आ रहा है, नो QR कोड फाउंड। एग्जैक्टली मुझे लग ही रहा था इसने एरर देना है, पाकिस्तानी से वैसे ही चलते हैं. ओके हम इसका ना आप इधर ये आगे देखो, ये इधर लिखा भी हुआ है इन्होंने, सो व्हाट दे आर रेफरिंग. ओके सो कह रहे हैं कि दीज मॉडल्स परफॉर्म क्वाइट वेल इन मोस्ट केसेस, बट प्लीज़ नोट दैट दे आर नॉट 100% एक्यूरेट. इन सम इंस्टांसिस द QR कोड शेप माइट नॉट कम थ्रू एज एक्सपेक्टेड, यू कैन इंक्रीज द कंट्रोल नेट वेट टू एम्फिसाइज द QR कोड शेप. तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, कंट्रोल नेट स्केल हम 1.12 है ना, तो हम इसको 1.2 पे ले जाते हैं. अब हम दोबारा इसको रन करवाते हैं. सो कंट्रोल नेट कंडीशनिंग स्केल का मतलब है कि हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमारा QR कोड ज़्यादा बेटर और सही आना चाहिए. बट इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ ये समझ लेता है कि काइंड ऑफ मुझे शायद अब कॉम्प्रोमाइज़ करना है इमेज के ऊपर जो हमने प्रॉम्प्ट दिया उसे, तो कहीं थोड़ा बहुत ड्रॉबैक होता है. बाकी अभी हमने थोड़ा सा इसको इन्हेंस किया है, लेट्स सी क्या हमें मिलता है रिजल्ट.
ये टाइम लेता है, ये टाइम अपना लेगा। चलो तब तक आप लोग अपना पूछ लो, कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ है बच्चा, कुछ लगी हो, कुछ समझ ना आया हो आज के रिलेटेड। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है। एक कल के लेक्चर में से एक क्वेश्चन है, अगर बोलो, पूछो 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 पूछो। वो कल हम बात कर रहे थे कि जो हम वो न्यूरल नेटवर्क्स और हिडन जो फाइल्स थे उसमें इस हद तक काम कर लिया है कि इवन के उनको भी नहीं पता कि कैसे काम हो रहा है बिना मतलब खुद से वो चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये AI जो है खुद ही हुआ जा रहा है, मतलब किसी को पता नहीं कि क्या और कैसे हो रहा है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं है AI या फिर न्यूरल नहीं, आप नेटवर्क्स। AI का न्यूरल नेटवर्क के इंटरनल वर्किंग को आप लाइक आप इनपुट तो कंट्रोल कर सकते हो ना, इनपुट या आउटपुट लेयर वगैरह, तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अभी उस पर रिसर्च चल रही है कि इंटरनल वर्किंग जो है ना, इंटरनल वर्किंग, हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी GPT-4 के अंदर, उसके पेपर में उन्होंने लिखा था कि GPT-4 ये जैसा उसको बनाया गया था और जैसा वो हमें आउटपुट दे रहा है, हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग इवन फॉर डेवलपर्स कि ये चीज़ हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनपुट देते वक्त भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हमने शायद आपको बताया था कल के प्रिडिक्ट स्केलिंग का, जो हमने मैं वो आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था GPT-4 के अंदर जो रिलीज़ हुआ है, कि उसका कॉन्सेप्ट अगर आप उसको इन डेप्थ थोड़ा स्टडी करो ना, आपको नज़र आएगा कि डेवलपर्स को ज़्यादा नहीं पता होता कि हमारा मॉडल एक टाइम पे जाके कैसा परफॉर्म करेगा। तो वो इस वक्त ये चीज़ फिगर आउट करने में लगे हुए हैं कि अगर हमारा मॉडल कोई बनाते हैं तो हम पहले ही एक तरह से प्रिडिक्ट कर लें कि हमारा मॉडल अगर एक बड़े लेवल पे जाता है तो वहाँ पे जाके वो कैसा परफॉर्म करेगा, ताकि अगर वो लाइक इन सम वॉट इन सम वे अगर वो लाइक डिस्ट्रैक्ट भी होता है ना अपने पाथ से, अपने पाथ से, तो हम उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो हाँ, इसको अगर आपने स्केरी काइंड ऑफ में लेके जाना तो लेके जा सकते हो, बट फॉर सैम एल्टमैन जो कि सी ओपन AI का CEO है, अच्छा ये अब इमेज दिया उसने, अब मैं ये इमेज आपको सेंड करता हूँ, ये इसको मैं खुद एकदम करता हूँ, स्कैन करके देखता हूँ, आपको भी नज़र आ रहा होगा, स्कैन करके देखो ज़रा लैपटॉप पे जो यूज़ कर रहे हो, ये ट्राई किया करो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो लैपटॉप के ऊपर किया करो, लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेटर रहती हैं। ओके सो इट्स नॉट, मेरा QR कोड काम नहीं कर रहा है या क्या हुआ है, ये पिक्चर ले नहीं रहा। स्कैन स्कैन इमेज, ओके यार मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, मेरा पता नहीं वो मैप जो है ना वो से काम ही नहीं कर रही। सेव इमेज और इसको ऐसे डाउनलोड करते हैं यहाँ से, और इधर आया ये दरवाज़ा, यार ये दरवाज़ा बंद कर दो, इन्हों ने मुझे पता नहीं जी उन्होंने दसिया भी है। हेलो सॉरी यार, वो थोड़ा सा बस निकल गया था मैं, अब आवाज़ क्लियर आ रही है, नेट प्रॉब्लम बन गया था। हाँ जी आ रही है। ओके मैंने पिक्चर भेजी है ग्रुप के अंदर, इसको स्कैन करो ज़रा, थोड़ा सा हमने इसको एडवांस किया था ना, तो इस तरह आप इन मॉडल के साथ थोड़ा सा खेलते रहोगे ना, तो थोड़ा सा आप देखो पिछली इमेज के अंदर आप लगे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि QR कोड थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी सा था, इसमें थोड़ा ज़्यादा नज़र हमें QR कोड आ रहा है इंस्टेड ऑफ द हॉर्स और इंस्टा एस्ट्रोनॉट या पाकिस्तानी झंडा, हमें ज़्यादा जो क्लियर नज़र आ रहा है वो QR कोड नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको हम वोली ज़्यादा इन्हेंस कर दो इसके स्केल को, तो वो बड़ा ज़्यादा इस करेगा, और गाइडेंस स्केल स्ट्रेंथ आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, उसके साथ चीज़ें करोगे ना तो आपको वो बताता जाएगा। वो फिर एडजस्ट करके स्कैन करके देखना पड़ेगा, वो तो बार बार एडजस्ट हाँ करके तभी पता एग्जैक्टली चलेगा। exactly. वो जैसे आपको लगता है कि मैं चीज़ वो करूँ ना करूँ, तो इस तरह ही वो इनके साथ आप काम करते हो मोस्टली टूल्स के साथ, इनके साथ वो खेलो मज़े करो, एक टाइम आता है कि आप इनमें बड़े अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हो, इवन दो ये है या इसके अलावा दूसरा है,
या अगर आप चैट जीपीटी का भी वो है ना, इसका ही हगिंग फेस के ऊपर है, जीपीटी टेक्स्ट क्या वो कहते हैं उसको, प्लेजरिज्म, हाँ जीपीटी टेक्स्ट प्लेजरिज्म चेकर जो था। अब एआई जनरेटेड टेक्स्ट को भी आप चेक कर सकते हो। तो इधर तो दूसरा था, इधर हगिंग फेस के ऊपर था एक, वो मेरे ख्याल से चला गया है। हगिंग फेस लिखता हूँ मैं, हगिंग, यस, हाँ ये आ गया, प्लेजरिज्म डिटेक्शन। सो नहीं, ये दूसरा है यार, ये जीपीटी वाला नहीं है। ओके अच्छा, मशीन जनरेटेड, ओके ओके। सो अगर हम अभी जीपीटी से कुछ पूछें और उसका अगर चेक कर करें यहाँ पे, तो 10 मिनट कॉल में रह गए हैं। सो व्हाट, हाउ डू सॉफ्टवेयर लाइक टर्नी डिटेक्ट एआई प्लेजरिज्म, एनी आइडिया? तो अच्छा, सेम चीज़ होती है, एनी आइडिया मैं बताता हूँ। तो आप जो जीपीटी का लाइक होता है ना, टेस्ट टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अब ये है, अगर हम इसको जीपीटी, चैट जीपीटी पे जाएं, और इधर से मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, तो मैं इससे कहता हूँ राइट 5 लाइन्स फॉर एलएलएम्स। मैंने ये चीज़ कर दी है, इसको ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब मैं इतना बस इधर से उठा लेता हूँ, ठीक है। अब इधर आया मैं, इसको मैंने आके इनपुट दी, मैंने सबमिट कर दिया। अब मुझे बता देगा कितने परसेंट प्लेजरिज्म है नहीं है, मैं वो भी बताता हूँ कि आपने जो बात की, इट वर्क्स फॉर बेस्ट फॉर पैराफ्रेसिस फ्रॉम। स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओके सॉरी यार, वो दोबारा आया था ना, तो मैंने देखो, मुझे बता दिया करो, पता हो जाता है। ओके सो एक चीज़ ये देखो, अब ए आई प्लेजरिज्म के ऊपर हम आए ना, ए आई प्लेजरिज्म नहीं था, ये हमारा दूसरा प्लेजरिज्म था यार, कहाँ गया ये है, जिसने हमें बताया 100% ओरिजिनल फूड, 0% प्लेजरिज्म, ठीक है, पैराफ्रेजिंग नहीं हुई। तो अगर हम पीछे आएँ और इधर था हमारा GPT-2 टेक्स्ट डिटेक्शन, हाँ ये थी, तो मैं इसको कहता हूँ GPT-2 आउटपुट डिटेक्टर हगिंग फेस। ये आ गया, इधर से ये भी आ गया, दोनों ओपन करते हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट मैं इधर ऐड करता हूँ, सेम चीज़ मैंने जीपीटी से बनवाया ये टेक्स्ट, अब मुझे बताएगा ये फेक है या नहीं। ये नीचे एक स्केल आ रहा होगा, नज़र आ रहा है स्केल थोड़ा बहुत, उस ज़्यादा नीचे बस इन्होंने डाल दिया, ये प्रिडिक्टिंग अभी कर रहा है। ये जीपीटी का टेक्स्ट है सारा, सही है। तो इधर भी आ गया ये, अब ये थोड़ा सा चलो ऊपर है, इसको बता दे, इधर करते हैं, तो ये भी प्रिडिक्टिंग कर रहा है। सो ये देखो, इज बेस्ड ऑन 48%। अब हम ज़्यादा लेते हैं, सारा उठाते हैं इधर से, वहाँ पे हमें 100% आ रहा था कि एआई जनरेटेड नहीं है, बट यहाँ पे हमें आ रहा है कि ये 14% एआई जनरेटेड है। तो मैंने इसको इधर फिर दोबारा किया, अभी मुझे कहता है इतना रियल है, इतना ये है GPT-2। ओके यार, इन्होंने एडवांस कर दिया ये, नाइस। आप लोग अब नहीं पकड़े जाओगे, आप लोग आराम से छापे मार सकते हो। तो जब हम ये स्टार्ट में आया था ना GPT-2, तो हुआ बेसिकली क्या था कि GPT-2 का अगर मैं आउटपुट डिटेक्टर में जाऊँ ना, तो इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, तो जोन से डेटा सेट के ऊपर GPT-2 ट्रेन हुआ है ना, ज़ाहिर है वो आउटपुट भी तो उसी डेटा सेट के अकॉर्डिंग दे रहा है ना आपको। तो जोन से डेटा सेट के ऊपर GPT-2 ट्रेन हुआ है, उसी डेटा सेट को लेके, उसकी आउटपुट्स को लेके इन्होंने ये डिटेक्टर बनाया था कि अगर तो इस तरह की डिटेक्ट टेक्स्ट आता है ना हमारे पास, इस चीज़, इस तरह का चीज़ आता है, तो हम इसको कहेंगे कितने परसेंट ये AI जनरेटेड कंटेंट है। तो अभी उन्होंने मेरे ख्याल से चैट जीपीटी को भी, ज़ाहिर है वो हर दफ़ा अपडेट करते हैं, अभी मेरे पास जो वर्जन चल रहा है फ्री वर्जन 24 मई को अपडेट हुआ है, लग लास्ट मंथ, तो अभी वे GPT-3.5 चल रहा है, तो ये कॉन्टीन्यूसली जो भी उसकी चीज़ें होती है ना, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ये जितने भी AI मॉडल्स होते हैं ना, ये AI के ही डाटा सेट पर ट्रेन होते हैं और उसी के टेक्स्ट को कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सर ये कहता है ना कि मैं हमका आपका जी चैट जीपीटी का मैं कोड या कोई इस तरह की चीज़ आपका डिटेक्ट कर लूँगा, तो सरे से बंदा आपको झूठ बोल रहा है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त तक ऐसा कोई डिटेक्टर है ही नहीं
जो कोड प्लेजरिज्म चेक कर पाए। सिर्फ ये प्लेजरिज्म चेक हो सकता है कि वो इंटरनली क्लास का कोड चेक कर ले, कि एक क्लास में कितने बच्चों का सेम है, तो आपको बता देगा कि इसका सेम है, इसका सेम है। आपने जेट जीपीटी से बनवाया है और ये नहीं आपको बता सकता हो कि आपने यहाँ से लिया, कहाँ से लिया। एक वेबसाइट मैंने देखी थी जो कह रही थी कि 2023 के लास्ट तक हम AI जनरेटेड कोड बता देंगे, ठीक है। AI जनरेटेड जी, इसके लिए सर सुहेब ने खुद कोड लिखा था। किसके लिए यार? मुझे दो तीन बंदों ने बोला है कि सर सुहेब ने कोड मुझे लिखा लगता है था। उन्होंने सिर्फ डराया था, हमें एग्जैक्टली सिर्फ डराया मुझे, था। मैंने दो तीन दफ़ा ना, मेरी तीन चार दफ़ा सर से बात हुई है, तो हम उनका जो MS का प्रोजेक्ट था ना, मैंने उनके अंदर थोड़ा सा लिखा लिखा था। उनको जो MS का प्रोजेक्ट था ना उनका, वो री इन्फोर्समेंट लर्निंग पे था। तो मुझे उन्होंने, मैंने उनको कहा था कि लाइक सर इसमें थोड़ी सी आप फ्लॉज हैं, चीज़ें हैं, तो मुझे बता, क्या बात हुई थी एक दो दफ़ा। तो मुझे, मैंने उनको तीन चार दफ़ा कहा है कि मुझे दिखाओ आपने क्या लिखा है, मुझे नहीं दिखाते थे। तो अच्छा, क्लास में कितनों का सेम है भाई, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो मैं भी कर दूंगा आपको। क्लास में कितनों का सेम है ये डिफरेंट नहीं है। आपने इंटरनेट से कोड उठाया है या नहीं ये बताओ, ये चीज़ डिटेक्ट करना, ये नहीं कर सकता कोई भी आज तक, अभी तक तो नहीं कर सकता। ओके सो स्टॉप।